सैकड़ों शरणार्थियों की ना यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था उनको। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे ना रात को अजीबोगरीब टाइप की कुछ आवाज़ें आती है और ये ना एक हॉन्टेड प्लेस है। हाय गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी इस टाइम दिल्ली में और आज मैं घुमाने वाला हूँ आपको एक ऐसी जगह जो कि काफ़ी हिस्टोरिकल है और बोलते हैं कि ये जगह ना काफ़ी हॉन्टेड भी है। तो जैसे कि आपको पता ही है, दिल्ली हिस्ट्री से भरी हुई है, तो ये भी एक ऐसी ही जगह है। जो दिल्ली के 13 दरवाजे थे दोस्तों, उनमें से एक दरवाज़ा ये है जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसका नाम है खूनी दरवाज़ा। लेकिन अब इसका नाम गवर्नमेंट ने कर दिया है लाल दरवाज़ा। और इससे पहले इसका नाम था काबुली दरवाज़ा। सबसे पहले काबुली दरवाज़ा क्यों था, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। अफ़गानिस्तान से जो लोग आते थे वो इसी दरवाजे से दिल्ली में एंट्री किया करते थे, इसलिए इसका नाम था काबुली दरवाज़ा। ये इसके बारे में जानते हैं। ये है खूनी दरवाज़ा, आप देख सकते हैं। और इस दरवाजे को शेरशाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों। और थोड़ा सा मैं बताऊँगा ये पड़ता कहाँ है। ये जो आप रोड देख रहे हो, ये है बहादुर शाह जफर रोड। और ये जो सामने देख रहे हो, ये है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, और वहाँ पे आगे पड़ता है मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों, ये है खूनी दरवाज़ा जो आप देख सकते हो। अभी क्या है कि पूरा ना बंद किया हुआ है ऐसे जाल वगैरह लगा के, और आप देख सकते हो कितना बड़ा है। 3 मंजिल इमारत है दोस्तों ये। और पहले क्या था, इसमें ना लोग अंदर भी जाया करते थे। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, अभी तो बंद कर दिया गया। देखो ये, देखो 3 मंजिला इमारत है। पहले ना लोग इसमें अंदर भी जाया करते थे, और जीना वगैरह भी है इसके अंदर, ऊपर चले जाया करते थे, लेकिन ये बंद कर दिया गया। इसी यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जो कैप्टन हडसन ने मिर्जा मुगल और खिज सुल्तान और मिर्जा अबू बकर 3, यानी कि जो राजकुमारों को हुमायूं के मकबरे पर दिनांक 22 सितंबर को हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लेने के टाइम उन्होंने सरेंडर किया था हुमायूं टॉम्ब में। वो हुमायूं टॉम्ब जो हुमायूं का मकबरा है, वहाँ पे ना छिप गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपना सरेंडर किया था अंग्रेज़ी सरकार को। तो जो अंग्रेज़ी सरकार है, वहाँ से उनको लाल किला लेके जा रही थी उनकी पेशी के लिए। जो हडसन था अंग्रेज़ी सरकार का शासक, उसने क्या बोला था कि अगर इनका कोई दोष नहीं होगा तो इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब वो लेके जा रहे थे, तो यहीं पर जो आप मेरे पीछे रोड देख रहे हो, इसी रोड से लेके जा रहे थे, तो हुआ क्या था कि राजकुमार को बचाने के लिए ना काफ़ी जो लोकल पब्लिक थी वो इकट्ठा हो गई, जिस वजह से अंग्रेज़ी सरकार ने ना डर के उन राजकुमारों को यहीं इसी खूनी दरवाजे पे गोली मार दी। और जो उनकी बॉडी थी, उनको कोतवाली वाली जो जगह है वहाँ पे उनको शव को छोड़ दिया गया ऐसे ही। उसके बाद में फिर ऐसी कई घटनाएँ हुई जिस वजह से इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा। और एक घटना ये भी है दोस्तों, जो औरंगजेब था उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को जब हराया था, तो हराने के बाद में ना उसका सर कलम करके इसी खूनी दरवाजे पे लटका दिया गया था। तो एक के बाद एक काफ़ी यहाँ पे घटना हुई है। और एक घटना 1947 के विभाजन के बाद सैकड़ों शरणार्थियों की ना यहाँ पे हत्या कर दी गई थी, मार दिया गया था उनको। और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पे ना रात को अजीबोगरीब टाइप की कुछ आवाज़ें आती है और ये ना एक हॉन्टेड प्लेस है। जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारी यहाँ की घटनाएँ बताई क्या क्या हुआ है यहाँ पे, तो ये ना काफ़ी हॉन्टेड प्लेस बताया जाता है। और रात को यहाँ आना ठीक नहीं है 8 बजे के बाद में दोस्तों। थोड़े टाइम पहले, कुछ सालों पहले ना यहाँ पे ना कुछ रेप वगैरह का केस हो गया था, जिस वजह से ये बंद कर दिया गया था। देख सकते हैं फिरोज शाह कोटला का फोर्ट, वो भी यहीं पास में है। तो बताइए आप मुझे कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ये जो आप मेरा इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।